मैं कैसे लग रही हूँ? यहाँ क्या कर रही? आप ही से मिलने आई थी। बस वहां वो गिफ्ट बॉक्स देखा जिसपे मैं शर्मा द फ्यूचर मिसेस दीवान लिखा हुआ था, तो मैं समझ गई कि वो आप मेरे लिए लाए। थैंक यू सो मच। आपने मुझसे शादी करने का फैसला कर लिया है, ये जानकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मेरा दीवान बहू बनने का सपना सपना नहीं बनकर रह जाएगा, वो आपकी वजह से पूरा होगा। थैंक यू वेरी वेरी मच। और फिर हिटला दीदी और ऋषि की शादी के बाद हम भी उसी मंडप में शादी कर लेंगे, और फिर दीदी की जेठानी बनकर मैं भी अपने सारे बदले पूरे कर लूंगा। ठीक, शादी कर लूंगा और उसी मंडप में करूं। बस फर्क इतना है कि दुल्हन मेरी प्यारी इंदिरा बनी, और जो बात तेरी बहन में है ना, तो तुझ जैसी कैरेक्टरलेस लड़की में का। और देख, आज रात मेरी बैचलर्स पार्टी, इसलिए मेरा मूड मत खराब। वैसे भी वो बेवकूफ रिकी ये समझता है कि ये पार्टी उसके लिए, तो ये पार्टी मेरी। घर जा। देखा बॉयज, इसे कहते हैं हम दिल्ली वालों का दमदार और अमीर सरप्राइज। ऋषि तू आंखें बंद कर ले, तेरी शादी हो रही है। अबे क्यों बैचलर्स पार्टी का मजा खराब कर रहा है? Only sing, only sing, understand? Touch me, touch me, touch me. तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। तेनू मैं लव करदा, बेमतलब करदा, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए। साड़ी तां देसी है अदा, साड़ी ते हो जानी फिदा, बाहों में आ सोनिए, बस आज रात के लिए।
कहाँ थे आप? मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूं। और शराब पी आपने? हाँ, आपको पता है ना कि मुझे शराब पीने वालों से सख्त नफरत है जी। आई एम सॉरी मकान मालकिन जी, वो मेरे कॉलेज के दोस्तों ने ना प्यार से जिद की तो मैंने थोड़ी सी वेरी लिटिल पी ली। आप तो जानती हैं मेरे अपनों ने मुझे ठोकर मारी तो यही वो दोस्त थे जिन्होंने मेरा साथ दिया, तो उनके कहने से उनका दिल रख लिया मैंने और थोड़ी सी पी ली। जाकर सो जाइए, कल बात करते। मकान मत। अरे यार, ना भाई साहब सही कह रहे थे, शराब के चक्कर में होने वाली बीवी को नाराज कर दिया। अब बेटा ऋषि बाबू, मनाने के 50,000 तरीके अपनाओ। ये शादी होकर ही रहेगी, तेरा कन्यादान कौन करेगा? मेरा भाई विदित शर्मा। अब तक घर नहीं गई? मैं हमेशा से जानती थी कि तुम हिटलर दीदी को पसंद करते हो, लेकिन मेरी एक छोटी सी प्रॉब्लम, मैंने दीवान खानदान की बहू बनने की कसम खाई। अब तुम अपनी बैचलर पार्टी तो मनाया है, लेकिन माइंड इट, ये बैचलर पार्टी तुम्हारी मुझसे शादी से पहले की थी, समझे थे? क्योंकि तुम्हारी शादी मुझसे होगी, दीदी से नहीं। और अगर तुमने मना करने की कोशिश की तो मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ क्या किया। और हाँ, इसे धमकी मत समझना, क्योंकि मंदिरा जो कहती है वो करके दिखाती है। डर गया समीर दीवार। शराब मैंने भी है, लेकिन चढ़ तुझे गई। जा, सबको बता दे कि उस रात मैंने तेरे साथ क्या किया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि उस रात मैंने तेरे साथ क्या किया। लेकिन जाने से पहले ये तो बता दे कि तेरी ये सारी बातों पर विश्वास कौन करेगा। विश्वास ना करने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। सबूत?
अब इस गलत फहमी में मत रहना कि एक शरीफ घर की लड़की अपने बारे में ये सब दुनिया में कैसे बताएगी, क्योंकि मैं तो अपने घर में पहले से ही बदनाम, एक बदनामी और से। और ये तो सोचो, जब ये सब हिटलर दी को पता लगेगा, वो तो तुमसे वैसे ही शादी नहीं करे। बड़े उसूलों वाली है ना, क्या करे? चाहती क्या हो तुम? पॉइंट पे आओ। विवान मेंशन के अंदर ऑफिशियल एंट्री एज मिसेस दिवा, तुम्हें शादी करनी हो मुझसे। तो तुम समीर दीवान को ब्लैकमेल कर रही हो? हाँ। ठीक है, शादी करूंगा तुमसे। ये हुई ना बात, तो चलो पैसे निकालो। अरे पहले होली है, फिर संगीत और फिर दीदी की शादी। डिजाइनर कपड़े खरीदने के लिए मेरे पास पैसे भी नहीं है। तू जल्दी से पैसे दो, निकालो। अब तुम्हारे पैसे मेरे ही तो है। समीर दीवान से पैसे छीन कर गई, लेकिन समीर दीवान एक एक पैसे का हिसाब जरूर चुकता करता है। शादी तो मेरी तेरी बहन से ही होगी, और तेरा मुंह बंद करने का कोई ना कोई रास्ता तो मैं ढूंढ ही लूंगा। हेलो। हेलो विदित भैया, आप आ रहे क्या? आ रहे हैं? और आपने फ्लाइट डिटेल्स भेजी ही नहीं अब तक। मैं विदित का दोस्त बोल रहा हूँ, उसने आने की टिकट बुक करा दी है, वो समय पे इंडिया पहुंच जाएगा। मेरे पास फ्लाइट की डिटेल्स है, मैं आपको मैसेज कर देता हूँ। ओके थैंक्स, थैंक्स अ लॉट। विदित भैया, आप मेरा कन्यादान करने के लिए आ रहे हैं ना? मुझे पता था कोई और मेरे साथ हो या ना, लेकिन आप अपनी बहन का साथ देने जरूर आएंगे, वो भी सब कुछ छोड़कर। मारने आ रहे हैं।
रोशनी से नूर के अपना भाई मुझे ही धोखा दे रहा है। मेरा अपना भाई मुझे ही धोखा दे रहा है। माँ अगर ये शादी हो गई ना तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। माँ आप भी कुछ कर सकती है, आप जैसे तैसे करके इस शादी को तोड़ दीजिए। आप इंदिरा के पास जाइए, उस रिकी के पास जाइए। माँ रिकी आपकी बात कभी मना नहीं करेगा। माँ एक बार उससे बात कीजिए। माँ मैं जानता हूँ कि रिकी आपकी बात कभी मना नहीं कर सकता। नहीं, नहीं जाऊंगी मैं उसके आगे हाथ फैलाने। वो अब मेरा बेटा नहीं रहा। उसने उस लड़की के लिए मेरी ममता का अपमान किया है और अब वो उससे शादी करने जा रहा है। मैं उसके पास हरगिज नहीं जाऊंगी। हाँ आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही है? ये मेरी जिंदगी का सवाल है। आज इंदिरा का संगीत है, कल शादी, उसके बाद वो रिकी की हो जाएगी। माँ इंदिरा से शादी करने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं, और यही बात रिकी को जाकर समझाइए आप। माँ आप चलिए, जाइए उस रिकी के पास, उसे बात समझाइए। चलिए माँ, वाह जाइए रिकी के पास। माँ उस से समझाइए। माँ माँ बेटा मेरा हाथ छोड़, दर्द हो रहा है, छोड़। आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रहे? मैं इंदिरा से बहुत प्यार करता हूँ। मैं इंदिरा के बगैर नहीं जी पाऊंगा। माँ मैं मर जाऊंगा, मैं खत्म कर दूंगा अपने आप को। माँ ठीक है बेटा, मैं जाऊंगी उसके पास। तू मेरा राजा बेटा है ना, तेरे लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूं। मैं जाऊंगी उसके पास। सॉरी मकान मालकिन जी, वो कल रात को मैं शराब पीकर घर आया, वेरी सॉरी। आपको ऐसे माफी नहीं मिलेगा, आपको वादा करना पड़ेगा कि आज के बाद से आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे। एक तो घर में भाई शराबी, जिसकी वजह से इतने दुख सहने पड़ रहे मुझे, और ऊपर से शराबी पति मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। प्रॉमिस मकान मालकिन जी, वो मैं शराब पीता नहीं हूं। एक्चुअली मैं ना दोस्तों ने जिद कर ली तो थोड़ी सी पी ली। प्रॉमिस करता हूं कभी शराब को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पक्का? पक्का। और आपकी खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्या ऋषि भैया बुआ, आप तो क्या बुड्ढे लोग की तरह बैठे हो? ऋषि सब लोग होली खेलने के लिए तैयार है, चलो। आज तो जी भरकर होली खेली जाएगी। मतलब? मतलब क्या? आज आपको
होली के रंग में रख दूं। अरे वाह, ऋषि भैया और बुआ की तो होली शुरू हो गई। बुलाने वाला होली है। क्या रंग में रंग दूंगा? आपको पता है ना कि मैं होली नहीं खेलती, और वैसे भी अभी संगीत शुरू होने वाला है, इतनी सारी तैयारियां बाकी हैं। बड़े आए होली खेलने वाले। अरे मकान मालकिन जी, देखा ये हाल होता है जब हिटलर जैसी लड़की के साथ शादी करने का जुनून सर पे सवार हो जाए। क्या करें, प्यार जो करता हूँ अपनी मकान मालकिन जी से। हैप्पी होली। ऐसा मत करना, नहीं तो नहीं तो नहीं तो क्या, फांसी दे देंगी, गोली मार देंगी क्या? मुझे होली खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है, आप समझ लीजिए ये बात। अरे आपको नहीं खेलनी तो मत खेलिए। मुझे तो खेलनी है, मुझे क्यों रोक रही है? आइए। खबरदार, मुझे रंग लगाना इतना आसान नहीं है। देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रंग लगाते। कैसे क्या, दोनों हाथों से लगाऊंगा। खबरदार, जो मुझे रंग लगाए तो, नहीं तो मैं जला दूंगी। ठीक है, नहीं खेलते होली। रुक जा, क्या कर रहा है तू? बेटा पहले है ना पूजा करते फिर खेलते हैं होली। जा अपनी उम्र के बच्चों के साथ जाकर होली खेल। बुलाने वाला होली है। मिसेस, देख बनाइए उसे, देख ग्लास भर के दे। आप सवेरे सवेरे होली खेलने से पहले ही शुरू हो गए ना। मिसेस कमाल की बात कर रही है यार, सवेरे सवेरे का चौथा क्लास है मेरा, मैं तो अंधेरे से शुरू हो गया था। और आज ना होली का दिन है, आज के दिन तो सबको हक है दिन में पीने का, भगवान भी कहते हैं पिया करो, ये ले पी। नहीं नहीं नहीं, पता है मेरी सहेली डॉली कह रही थी इसको पीने के बाद ना बंदा जो एक बार कहता है ना सारा दिन वही कहता रहता है। भाई गॉड, तो कह देना मेरे को आई लव यू सारा दिन कहते रहियो, मेरे को बुरा थोड़ी लगेगा। और मिसेस मेरे होली वाले कपड़े निकाल दिए, मेरे होली वाले कपड़े नहीं। आप दो मिनट रुको। सुन, तेरे को ना मेरे को बड़ी जरूरी वाली टाइप की बात बतानी थी, लेकिन मैं भूल गई थी, और वो ना मम्मी जी को भी पता है, तो मम्मी जी आप बस ये बात बता दो। अरे मैं क्या कह रही थी, अरे मंदिरा मंदिरा लगाइए मत यार, किसी को होली वाले कपड़े नहीं है, कपड़े खराब करोगे धुलाई में कितना खर्चा हो जाएगा। और तो भी मिसेस क्या कर रही है वो देख, मम्मी के देख कितने साफ सुथरे कपड़े हैं। मम्मी जी आप अरे रंग का टिक्का नहीं लगा सकते मम्मी, मेरे होली वाले कपड़े नहीं है। टेलर आए तो उसे मेरे रूम में भेज देना, और मैं टीवी देखने जा रही हूँ। हाँ हाँ रब्बा, आपने आपने इतना अमीर दामाद दिया है हमें, इसी वजह से ना इस घर में खुशी वापस लौट आई है, बस ऐसी खुशी हमेशा रखना घर में। इंदिरा बेटा रंग का एक टीका तो लगा ले। मां प्लीज, शादी से पहले ये तेरी आखिरी होली होगी, मना मत कर, अगली होली में तो तू दीवान खानदान की बहू बन जाएगी ना। माँ आपको पता है ना कि जब से मिस्टर शर्मा इस घर को छोड़कर गए तब से मैं होली नहीं खेलती, और आप लोगों को खेलना है तो आप लोग खेलो, मैंने रोका नहीं है, बस मुझे इन सब चीजों से दूर रखो। पर बेटा, माँ प्लीज मुझे बहुत सारे काम है, और आप लोग को ही नॉर्मल शादी की तरह नॉर्मल संगीत चाहिए था ना, और मुझसे पूछे बिना सारे रिश्तेदारों को बुला लिया, लेकिन इंतजाम कौन करेगा? मैं, आप लोग तो करेंगे नहीं। जयपुर मुंबई और पता नहीं कहां कहां से सबको बुला लिया आपने। हाँ हाँ, मार ले ताने, होली के दिन मुझे ताने मार ले माँ, पर मुझे बुरा नहीं लगेगा बेटा, तू तू बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है ना, तुझे सब माफ है बेटा। तुम लोगों का मेलो ड्रामा ना कभी खत्म होने वाला नहीं है। कैसे समझाऊं इस लड़की को? अरे दामाद जी, संगीत का इंतजाम करने में आप बेचारी इंदिरा की मदद कर देना, और हाँ
ठीक वैसा इंतजाम करना जैसे जैसे आपके संगीत पर होता होगा। तब तक है ना, हम रामलीला मैदान में होली खेलकर आते हैं। सुना है कि बहुत अच्छा इंतजाम किया है, झूले वूले भी लगवाए हैं। मेरे वो भी इतने रोमांटिक होते तो कितना मजा आता, लेकिन मेरे वो तो बिल्कुल खड़ूस है, बिल्कुल मेरी हिटलर दीदी जैसे। ना बाबा ना, एक बार शादी हो जाए बस, फिर उसके बाद तो उन्हें अपनी तरह लाइफ एंजॉय करना सिखाई दूंगी। क्यों मिस्टर समीर दीवान, फिलहाल तो अपने टाइम पास वाले चांदनी चौक के बॉयफ्रेंड के साथ ही होली खेल लेती हूँ। अगले साल से दीवान मेंशन की हाई प्रोफाइल होली एंजॉय करूंगी।
पागल हॉस्पिटल में रिकी का पेशेंट? आखिर ये कौन सी कड़ी है जो दोनों को जोड़ रही है? अरे अरे होली वाले कपड़े नहीं है मिसेज, समझा कर बात को यार। अरे मिसेज रहन देना, मैं कह दिया होली वाले साजा है आपके जीवन में खुशियों के संग्राम, खूब रहा खुशियां होली, खूब चढ़ा वंग। एक बात है राधे, ये सारे बांग तू बांट रहा है? सब माता रानी की कृपा है राधे स्टेट एजेंसी पे। सारे इतने पैसे कहाँ से आ गए तेरे पास? बच्चे तो नहीं बेच दिए तूने? अजी ना ऐसी बातें क्यों कर रहे हो, ये ले बांग भी। ना जी ना बांग नहीं पिएगा राधे, अभी बहुत अर्जेंट काम से निकलना है, मैं निकलता हूँ। आप चाहते राधे का चश्मा रख लो, ये माता दी होली की। होली के दिन कौन सी बीमारी पाल के बैठा, कौन सा अर्जेंट काम है बता मेरे को। है काम हो जाएगा तो अपने आप पता लग जाएगा आपको, जय माता दी। राधे अभी बता साले, वरना इतनी बांग डाल दूंगा तेरे अंदर, ऊपर से बांग के पत्ते उग जाएंगे, बता मेरे को। अरे क्या काम है? ना चांदनी चौक में फिल्मी पार्टी आ रही है शूटिंग के लिए, एकदम ईस्टमैन कलर टाइप। राधे स्टेट एजेंसी से संपर्क किया, मुझे मिलने के लिए जा रहा हूँ, मंदिर के पास इंतजार कर रहे हैं वो, वेटिंग फॉर राधे। राधे अरे होली के दिन इतना मोटा मुर्गा फंसा रखा है, अकेला कैसे हजम करेगा, पच जाएगा तेरे को। कैसी बातें कर रहे हो आप, राधे तो वेजिटेरियन है, शाकाहारी। ओए शाकाहारी, इस काम के लिए तेरे को मुन्ना की मदद की जरूरत पड़ेगी, ले मेरी मदद। ना जी ना आप भाभी जी के साथ होली करो, राधे बस काम निपटा करके आ जाएगा आपके पास, जय माता जी। अरे कर लेगा ना, एक दिन मुझे यार यार होली है अकेले तो हैप्पी होली राधे। अरे हैप्पी होली राधे, आज तेरी यार आज। आराम से ले तेरी चप्पल आज में पकड़ ले। हां ये जो मुंबई वाली पार्टी की बात कर रहा है ना राधे, इसे आप फंसा लेते हैं, ठीक है ना? वो डेली खर्च तो अपने को ऋषि दे देगा, ये मुंबई की पार्टी फंस गई ना तो एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, क्या कहती है तू? तो उन लोग के पास चलते हैं। मिसेस ये मेरे होली वाले कपड़े नहीं, मिसेस होली वाले कपड़े देना मेरे। चल 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 चल, एक सेकंड रुक जा, एक सेकंड रुक जा राधे, ये ले ठंडाई तो पी ले राधे, ये ले आ जा मिसेस। क्रो क्यों रही है तू? तो क्या करूं? अपनी इंदिरा की शादी हो रही है। इसे तेरा दिल ना इतना कमाल का है, मेरी ऐसी बहन के जाने का भी दुख हो रहा है तेरे को। नहीं उसके जाने का दुख नहीं हो रहा, मैं ये सोच रही थी वो चली जाएगी तो हमारा खाने पीने का खर्चा कौन उठाएगा? तेरी मिसेस एक सेकंड में सारी उतार दी मेरी यार। तेरे को पता है ना कि पैसे कमाने करने कितना मन है मेरा, मैं चाहता हूँ कि मोटी मोटी नोटों की गड्डियां है अपने जीवन में, कोई मोटी पार्टी फंस जाए ना मिसेज, जिसे चूना लगा के रातों रात अमीर बन जाए हम, तो स्वाद आए जिंदगी का। वो बॉम्बे वाली पार्टी है ना, वो ही अगर अच्छे से फंस गई ना तो बस सारे सपने पूरे हो जाएंगे अपने। मुझे फाइनल कर लिया? नहीं नहीं तेरे को तो मैं भी 4-5 बार और फाइनल करूंगा, फिलहाल ये लोकेशन फाइनल। तो ऐसा करते हैं, ये माहौल मुझे यहाँ पे अच्छा लगा, यहाँ पे एक कमरा किराए पे लेते हैं। यार क्या है, ज्यादा ज्यादा 4-5 लाख रुपए महीना देना पड़ेगा, दे देंगे क्योंकि हम तो मोटी असामी है। तो ऐसा करते हैं इस फिल्म का पहला शॉट ही तुम्हारे फेस से लेते हैं। ये तुम्हारे मुंह पे दाढ़ी क्यों चुभ रही है यार? सर दाढ़ी, मैं तो लड़की हूँ, रोज शेव करती हूँ। ओहो तो तू कौन है यार? उन्ना नाम है मेरा, चांद चौक में सारे जानते हैं मेरे को। तू कौन है, व्हाट इज योर नेम? मैं मेरा नाम क्या है मेरा नाम? आपने सुभाष घई के बारे में नहीं सुना? सुना है सुभाष घई का नाम? हाँ, वो डायरेक्टर जो बड़ी बड़ी फ्लॉप फिल्में बनाते हैं ना। घई साहब इतनी बड़ी पिक्चर बना रहे हो, हमारा घर ले लो ना किराए पे, हैं? बहुत बड़ा बेडरूम है उसमें,
आपकी वो बड़ी सी हीरोइन के चेंज करने के लिए। शट अप सर, शक्ल देखो इसकी, इसकी शक्ल से लगता है कि इसका घर बड़ा होगा। कसम से बहन जी, माता जी की कसम, हमारा घर बहुत बड़ा है, मैं भी रोज वही कपड़े बदलती हूँ। अच्छा कितने बजे? 8 बजे। पर मैं तो 9 बजे उठता हूँ यार। 9 बजे मैं बदलता हूँ। 9 बजे आप बदलते हैं? यार कितने टुच्चे लोग हैं यार। सर से मत बोलिए, टुच्चे लोग नहीं है, लुच्चे लोग है। कब से बिजनेस की बात करी जा रहे हैं, कुछ खाने पीने के बारे में पूछा भी नहीं। अरे पूछने की क्या जरूरत है, आप तो खाओगे ही। मिसेस डाल इनके मुंह में कुछ, जल लेके आ कुछ। एक मिनट, आपको लगता है वो मेरे लिए अकेली खाना ला पाएगी? सवाल ही नहीं उठता, आधा भी नहीं भरोगी। मैं लेके आता हूँ, पूरा भरेंगे आपको। एक मिनट आज यहाँ होली मना रहे और तरह तरह का खाना बना होगा। डॉक्टर साहब पिक्चर के बारे में बताओ कुछ। हाँ, ऐसा है कि हमारी फिल्म का नाम है 2 Idiots। उसमें दो लुटेरे उनको लूटने आते हैं, ये दो बेवकूफों की कहानी है। यस। क्या कहानी है सर, पहली लाइन में आंसू निकाल दिया आपने। सर जी आपकी पिक्चर के हीरो हीरोइन कौन है? हीरो हीरोइन मैं बताती हूँ, एक मिनट हटिए सर। देखिए हीरोइन तो मैं खुद हूँ और हीरो है सर। मतलब वो दोनों बेवकूफ आप ही बन गए? नहीं, हम हीरो हीरोइन है, बस वो 2 Idiots है ना, उनकी कास्टिंग अभी बाकी है ना सर। सही में? एक तो ये री। सर और दूसरा इनको ले लो सर, बहुत अच्छे इडियट लगेंगे, हीरो हीरोइन बन जाएंगे। ओके ओके, चांस दिया। मुझे तरस बहुत जल्दी आ जाता है। तो ऐसा है कि दो बेवकूफ खड़े हैं और लुटेरे अंदर आते हैं। यस सर। और वो कहते हैं कि जाओ अंदर से अपने सारे गहने जेवर लेके आओ और हम उसको डबल कर देंगे। हमारे पास तो गहने ही नहीं। बाल्टी मग बर्तन ले आए करके उसका डबल करके क्या करोगे? हाँ हमें आपका कमरा किराए पे नहीं चाहिए। हमने क्या नाश्ते में बुलाया तुमको? ये इतना खाना पीना हमारा, इसके पैसे दो। हटिए सर, मैं बात करती हूँ। कैश हम लोग अपने पास नहीं रखते, और रही बात तुम्हारे खाने की, सुबह निकलेगा ले लेना। सर जी आप इतने बड़े डायरेक्टर हो, सुभाष की आपके पास पैसे नहीं है? सुभाष की हमने यार बाकी तुम 2 Idiots हो। हमने कब काम, हमने पूछा था कि सुभाष शाही को आप जानते हो? जानते हो हमें भी बताओ, हमें पता नहीं, मुझे बड़ा शौक के काम करने का यार। तो सालों तुम हो कौन? ये बंटी है और मैं बबली हूँ। हम लोगों के आगे ऐसे ऐसे करके नाचते हैं और उनको ऐसे ऐसे करके लूट लेते हैं। ये साले नाचने वाले निकले मिसेज, पिटे हुए पत्ते हाथ में आए अपने। मैं तो पहले ही समझ गया था ये बनाएगा पिक्चर पापड़ जैसी शक्ल का। पत्ता मची चटकले। क्या ये? देखो गलती इंसान से होती, हमसे गलती हो गई, हमने आपको माफ भी कर दिया। लेकिन सर आप समझो, आपको मोटी पार्टी चाहिए ना? मेरे को भी मोटी पार्टी चाहिए। आप मेरी मोटी पार्टी ले लो, मैं आपकी मोटी पार्टी ले लेता हूँ। जस्ट किडिंग, मजाक। मेरा मतलब है कि हम चारों मिलके लोगों को लूटेंगे 50-50। आइडिया तो ठीक लग रहा है मेरे को। आइडिया पसंद आया ना, तो फिर चल फटाफट अंदर से खाना लेकर आओ। ले मुझे खाना, यही बचा है। छी मैं गंदा नॉन वेज नहीं खाती। खा जाएगी मिसेज, ऑफर मत करो उसको, जाके वो भांग ले आना, भांग। हाँ बढ़िया भाई, अपनी पार्टनरशिप सही चलेगी। ठीक है तो मेरे जैसा ही है, तेरे को पता है। मिला पियो 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 पियो। अच्छा है, मुझे भी इतना कॉस्ट हम तो मान लेते हैं, हम अपना दिमाग ठंडा करते हैं।
वो इंदिरा का शादी का सारा तामझाम में हमको जाना होगा। अरे हाँ भगवान, पर वो तो तभी ना जब इंदिरा मान जाएगी, हैं? समझ रही ना आप? समझता तो तुम नहीं है इंदर शर्मा। देखो हिटलर का तो शादी हो जाएगा, वो जाएगा ससुराल, उसके बाद क्या? अरे यही तो टाइम है फैमिली में घुसने का, कुटुंब को पटाओ। होली शादी जैसा मौका बार बार आता है क्या? बोलो तो, घुस जाओ गौर में, नहीं तो ठेंगा हाथ लगेगा फिर।
बड़ो की होली और आजकल की होली दोनों का मजा दिखाया इन जोड़ियों ने। सच में माँ, ऐसी परफॉर्मेंस तो चांदनी चौक में पहले देखने को नहीं मिली। हाँ मंदिरा, हो गया तेरा, चलो अब घर चले। संगीत में लोग आने के लिए भी शुरू हो गए हैं और वैसे भी मुझे तैयार भी होना है। मतलब कमाल है ना, देखिए पिंक है, ये येलो है, इसके अंदर बीच में ग्रीन मिला लगा, लेकिन जच कितना रहा है देखना। मिसेज मैं बता रहा हूँ तेरे को, नाम है कोई पूछने की बात है क्या? मुन्ना बेटा बता ना कैसी लग रही हूँ मैं? अरे कमाल की लग रही है, देख तो सही, सारी एक एक चीज तो मैचिंग है। पतली लग रही हूँ ना? तेरे में कोई कमी हो तो बताओ, मुझसे एक हो तो बताओ। अरे मंदिरा, माँ मेरी पिंक वाली नेल पेंट देखी सूट के मैचिंग की? गॉड, मुझे ही ढूंढना पड़ेगा। अरे ऋषि बेटा, मैं कैसे लग रही हूँ? मकान मालकिन जी की तरह दिख नहीं रही, तैयार हो रही है क्या? पता नहीं, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। क्यों खड़ी मम्मी, इतना अच्छा सूट पहना, इतनी सुंदर लग रही है तू, मुस्कान भी तो देना साथ में। हाँ सच में, चल लेट हो रहे हैं, आजा। हाँ? रोका है, ओ ढोलकी मेरी, आजा आजा आजा, आजा। You look stunning. ये मंदिरा ने मुझे सजाया, पता नहीं क्यों, ये बड़ा तो नहीं लग रहा ना? बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे से रुका नहीं जा रहा है मकान मालकिन जी, मन कर रहा है कि आज ही शादी कर लूं, अभी मान जाइए ना, आज ही कर लेते हैं मकान मालकिन जी, प्लीज। रिक्की बनाने वाला है इसे दीवान खानदान की बहू, पर रिक्की को तो हमारे खानदान ने बेदखल कर दिया है। नमस्ते।
मम्मी जी नमस्ते। तू बेटा होने का फर्ज भूल सकता है लेकिन मैं एक माँ होने का फर्ज नहीं भूल सकती। रोक नहीं सकी अपने आप को, तेरी शादी में एक माँ की रस्में पूरी करने चली आई। कुछ तो होगा तुझमें, नहीं तो मेरे बेटे के लिए लड़कियों की लाइनें लग जाती और ये आ गिरा इस फटे हाल झोपड़े में। माँ आपको यहाँ किसने बुलाया? मुझे बुलाने की क्या जरूरत है बेटा, एक माँ को अपने बेटे से मिलने के लिए कोई इनविटेशन की जरूरत नहीं होती। माँ क्यों तमाशा कर रही है, चुपचाप यहाँ से चली जाइए प्लीज। तमाशा मैं कर रही हूँ? इस शादी के बाद तमाशा तो तेरा बनने वाला है। माँ के दादाजी आप जरा बाहर जाइए, मुझे इनसे जरूरी बात करनी है। नहीं मकान मालकिन जी, आपको मैंने कहा ना। देखिए गुस्से में इंसान बहुत कुछ कह देता है लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि एक माँ अपने बेटे से जिंदगी भर अलग रहे। अब अगर आप अपनी बेटी की खुशी चाहती हैं तो उसकी खुशी को एक्सेप्ट कीजिए, उसमें शामिल होइए, वरना ये ना हो कि वो आपसे इतनी दूर चला जाए कि वापस आपके पास आ ना पाए। देखिए आपका यहाँ पर स्वागत है, आप चाहे तो सारे फंक्शंस अटेंड कर सकती हैं और हमें आशीर्वाद दे सकती हैं, और पड़ोस में ही लेडी संगीत हो रहा है, आप चलिए मैं आती हूँ। मुझे कुछ भी करके माँ बेटे के बीच में जो दरार है उसे हटाना ही होगा। यहाँ क्या कर रही है? हमारी तरफ ही देख रही है। मेरे को डर लगने लग गया है हमें। चल चल निकल ले, निकल चल 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 चल। दीदी एक मिनट, दीदी जो हुआ सो हुआ, उसके लिए हम माफी मांगते हैं। बोलेगा तो पैर भी पकड़ लेगा तुम्हारी। नहीं नहीं, अब देखो इंद्र शर्मा को इंद्र शर्मा ने घर से बाहर निकाल दिया, मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन पाप का दिल तो आखिर पाप का दिल होता है ना। बहुत दुखी है बेचारा, आना चाहता था पर डर गया, बोला झुम्पा हम नहीं जाएगा, तुम जाओ और हमारा बेटी को हमारा बबली को हमारा आशीर्वाद दे दो। मेरे को लग रहा है ना नाटक कर रही है ये भाई बाबू। अब अगर आप लोगों को हमारा आना अच्छा नहीं लगा तो हम जाते हैं इधर से अभी। नहीं नहीं झुम्पा रुको, देखो झुम्पा तुम है ना कहीं नहीं जाओगी, तुम तो उनका आशीर्वाद देने आई हो ना इंदिरा को देने के लिए, तो बस तुम हमारे साथ ही रहोगी। दीदी संगीत का बहाने यहाँ तो घुस गया, शादी का बहाने घर में घुस जाएगा। God, how down market. कहाँ फंस गई मैं अपने पेटे के चक्कर में? क्या हुआ आंटी जी, कोई दिक्कत है क्या? ओए मैं तेरी आंटी नहीं हूँ समझी कमीनी, पता नहीं कहाँ जीके से चांदनी चौक के संगीत अटेंड करने आ गई मैं। ओए जीके की कंजूस प्रकटी, आज हम भी तुझे दिखाते हैं कि अगर तू जीके की बिल्ली है ना तो हम भी चांदनी चौक के शेर हैं शेर। हाँ अरे क्या तुम दोनों समधन लोग खाली पीली मच मच कर रहे हो,
मैदान में आओ तो जान जाए कौन बिल्ली और कौन शेर। Thank you.
हिम्मत मिली क्या गिरने के लिए? घुटने की आंट लग गई ना? आप हो ही इतनी चिकनी चबेली की जैसी क्यों? अच्छा रुक जा तू चमाइला, अभी दिखाती हूँ तू। ससुराल चली जाएगी ना तो तेरे को यही छोटी छोटी बातें याद आएगी, ये हंसी ठिठोली। तू तो दीवान खानदान में चली जाएगी बहू बनके, फिर महलों में राज करेगी, पता नहीं हमको याद करेगी भी या नहीं। दीवान मैंशन, दीवान खानदान की बहू कौन रखने वाला है इसे दीवान खानदान के महलों में? बहुत खूब इंदिरा, बहुत बड़े धोखे में रखा है तूने अपने परिवार को। आप प्लीज आप यहां कोई तमाशा मत कीजिए, जाइए यहां से। अच्छा अच्छा, रिकी बनाने वाला है इसे दीवान खानदान की बहू, पर रिकी को तो हमारे खानदान ने बेदखल कर दिया है। दीवान खानदान की संपत्ति में अब इसका कोई हक नहीं। माफ। वाह, मैंने तो सही वाला चुन लिया। ये क्या कह रही हो? ये तेरे को पता था इंदिरा? तूने बताया नहीं कि ये तो फक्कड़ है। भाई साहब, इंदिरा हमें तो उम्मीद थी कि तू अगर दीवान खानदान की बहू बनेगी तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे, लेकिन ये आंटी जी क्या कह रही है? अरे अगर ये दीवान खानदान का नहीं है तो रखेगा कहाँ तेरे को? हाँ इंदिरा, इसका तो अपना घर भी तो नहीं है। ये ठीक नहीं किया इंदिरा, तूने इतना बड़ा धोखा दिया तूने हमको। आप लोग को शर्म नहीं आ रही है? अरे मेरी खुशी के बारे में आप लोग को चिंता नहीं है, पैसों की चिंता है। और आप
आप यहाँ ये सब करने आई है? अरे मैं थोड़ी देर पहले ये सोच रही थी कि एक माँ को अपने बेटे से कैसे मिला, लेकिन आप तो इस लायक ही नहीं है। मैं तो आप लोगों से अब भी कह रही हूं कि अगर आप में जरा सी भी अकल है तो अपनी बेटी की शादी एक अनएम्प्लॉयड लड़के से क्यों कर रहे हैं? उस दिन तो बड़ा अकड़ रहा था तू कि इस टूटी सी झोपड़ी में महलों से कहीं ज्यादा प्यार मिलता है तुझे। कहां गया तेरा प्यार? मां आउट, निकल जाए मेरे घर से। आपका बेटा सही कह रहा था, मुझे आपको घर के अंदर घुसने देना ही नहीं चाहिए था। इंदिरा, इन बेचारे को क्यों डांट रही है? तू हमें कब बताने वाली थी कि तू एक भिखारी से शादी कर रही है? कौन सी शादी? ये शादी होने नहीं दूंगा मैं, चाहे किसी की सहमति हो या ना हो, किसी को अच्छा लगे या बुरा, ये शादी होकर ही रहेगी। अच्छा, हमारे मर्जी के खिलाफ जाकर? हाँ करूंगी। तो तेरा कन्यादान कौन करेगा? मैं तो करूंगा नहीं, आप लोग की जरूरत भी नहीं है मुझे। मेरा कन्यादान करने वाला है मेरा भाई विदित शर्मा। ये ले, फिर विदित। और मुझे आप लोगों की कोई जरूरत नहीं है, दूर हो जाइए मेरी नजरों से, जाइए यहां से। और सबसे पहले तो आप क्यों खड़ी हैं अब तक? आपको बोलना पड़ेगा क्या? इंदिरा, तू इतनी मतलबी कैसे हो गई? हाँ, हम तो जैसे तेरे कुछ है ही नहीं, बस मर्जी में आया वही करेगी, चाहे किसी को बुरा लगे या अच्छा। होली खेलने जा रहा हूं मैं, दम घुट रहा मेरा यहाँ पे, चल पिचकारी। मुझे नहीं जाना। कैसे नहीं जाना, यहाँ क्या सोना पट रहेगा, चल मेरे साथ। मैं भी चलूंगी, आप रुक जाओ, मुझे साथ में ले चलो। किरदार जी, विदित भाई आएंगे ना? नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। आएंगे मकान मालकिन जी। विदित भैया जरूर आएंगे, वो आपकी सबसे बड़ी उम्मीद है मकान मालकिन जी, उन्हें आने ही हो, परेशान मत हो, वो आएंगे। बाबा ये फोन देख नहीं रहा, बिजी हूं मैं। बाबा 4-5 बार आ चुका है, बार बार रिकी दीवान के लिए पूछ रहे हैं, मैंने कहा नहीं है यार, फिर भी। हेलो, रिकी दीवान है, हम सफगर हॉस्पिटल से बोल रहे हैं। क्या काम है? कल से उनका सेल ट्राई कर रहे हैं पर लग नहीं रहा है, उन्होंने दीवान बिल्डर का एड्रेस एज ए लोकल एड्रेस में दिया है, हमने ऑफिस कॉल किया था, उन्होंने आपका घर का नंबर दिया, कहा आज होली है ऑफिस में छुट्टी है, उनके पेशेंट के कुछ बिल्स पेंडिंग है। ठीक है, मैं
मैं आकर क्लियर कर देता हूँ। सौगंध हॉस्पिटल में रिकी का पेशेंट, आखिर एक कौन सी कड़ी है जो दोनों को जोड़ रही है? मुझे पता था विदित भैया कि अब जरूर आएंगे। अब आप आएंगे ना तो मेरी हिम्मत और बढ़ जाएगी। मैसेज डिलीवर हो गया। तू चल के एक बार अपनी आंखों से देख ले, विदित भैया फिर से चल फिर सकते। तू उनको बता क्यों नहीं देता कि सिर्फ तेरे वजह से आज वो अपने पैर पर फिर से खड़े हुए हैं। नहीं संजय, आज नहीं, अब तो सीधा शादी के मंडप पर ही मुलाकात होगी विदित भैया से। उनको उनकी फैमिली के बीच खुशी के माहौल में देखना इससे भी बड़ा सरप्राइज है संजय मेरे लिए। खैर तू नहीं समझेगा कि मैंने क्या पा लिया। मेरी मकान मालकिन जी के लिए उनके विदित भैया सबसे बड़ी उम्मीद और सबसे बड़ा सहारा है, और भगवान ने उनकी उम्मीद को बिखरने से बचा लिया। कि जिस दिन मकान मालकिन जी को यह पता चलेगा कि उनके विदित भैया की इस हालत का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि उनका यह किराएदार ऋषि कुमार है, नहीं वो मुझे माफ करेंगे भी या नहीं। तूने विदित भैया को ठीक करने के लिए जो कुछ भी किया है वो देखकर तो भगवान भी तुझे माफ कर चुके हैं, वो भी तुझे जरूर माफ कर देगी। थैंक्स संजय, लेकिन कल तू 11 बजे विदित भैया को लेकर घर आ जाना, ठीक है? अरे मानव, अरे सुदीप, क्या यार मानव, नीचे होली की धूम होती है और तुम यहाँ घर पे बैठे। चलो हमारे साथ होली खेलने। नहीं काकी, मुझे सच्ची होली नहीं खेलना। अरे अरे
ना कभी करना इंतजार। मैंने किया है तुमसे प्यार, मैंने किया है तुमसे प्यार। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। मानो जिंदा रह ना सकूंगा, तुझको संभालूं ये मेरा जिम्मा। मैं हूं तो क्या गम जाने तमन्ना, अब जीना मरना मेरा जानम तेरे हाथ है। साथिया तूने क्या किया, बेलिया ये तूने क्या किया। देखिए जी, इस लड़की ने तो हमारे सारे सपने तोड़ दिए जी। अरे छोड़ ना कुटुम, तू काहे को ऐसी उदास होती है। चल तेरा मूड ठीक करने के लिए मेरे पास एक उपाय है। क्या जी? बताओ। हाँ, होली का धमाका डांस होने वाला है। मैं चाहता हूं कि इस डांस में मैं तेरे साथ डांस करूं। बोल, बनेगी क्या मेरी डांस पार्टनर? हाय रब्बा। क्यों नहीं जी। Oh! 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 O
दिल तोड़ू हड्डी भी, कंफू खेलू कबड्डी भी, या Hare Krishna.
आंखें क्यों नहीं फूट गई मेरी? अरे सारे चांदनी चौक के सामने उस कंगले के साथ में चिपट चिपट के होली खेल रही थी वो। खबरदार जो मंडप को हाथ लगाया, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं शादी के लिए दूसरा मंडप खड़ा करूं। शादी? कौन सी शादी? कोई शादी नहीं होने वाली है, खत्म कर अपना ड्रामा। ये उठा के फेंक रहो इस मंडप को। मैं खबरदार आप मुझे मजबूर मत कीजिए, और अगर आज कुछ हो गया ना तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, समझे? अच्छा क्या करेगी तुम, मारेगी मेरे को? हाँ तेरी धमकियों से ना चांदनी चौक का बच्चा बच्चा डरता होगा, लेकिन मेरे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मार तो मेरे को, मार मार मेरे को। वैसे भी क्या, इज्जत तो चली गई है, पैसा तो आने वाला नहीं है, तो क्या करूंगा जी के? मार तू मेरे को, मार 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 ना, मार तू मेरे को। भाई साहब, देखिए भाई साहब, आपको मेरे से प्रॉब्लम है ना, तो जो सुनाना है जो कहना है मुझे कहिए। चलिए अंदर चलकर बात करते। अंदर क्यों, ये बात करना मेरे साथ? बाहर नहीं, अंदर बात करते। आप भी आइए प्लीज। अरे चलिए ना भाई साहब, शांत हो जाइए, चलिए। आपको मेरे से प्रॉब्लम है? एक्चुअली आप लोगों को मुझसे प्रॉब्लम नहीं है, मेरे भिखारी होने से प्रॉब्लम है। कल तक तो आप सबकी जबान नहीं थकती थी ऋषि की तारीफ करते हुए, और आंटी जी आप तो दमाजी दमाजी कहते हुए नहीं थकती थी, फिर अचानक क्या हुआ आप सब लोगों को? आप सब लोग हमारी शादी के खिलाफ क्यों हो गए? ठीक है, अगर पैसे ही इसका इलाज है तो आप सब लोग शादी के लिए हाँ बोल दीजिए। आप लोगों को जो कुछ भी चाहिए मैं सब दूंगा, लेकिन प्लीज मकान मालकिन जी की खुशियों में शरीक हो जाइए। ओ ठंडन गोपाल, इतने बड़े बड़े वादे किस दम पे कर रहा है तू? है क्या तेरे पास? ये भाई साहब, ये 80,000 रुपए पड़े हैं मेरे पास, जोड़े थे अपने और मकान मालकिन जी के फ्यूचर के लिए, रख लीजिए। आप सब लोगों के काम आएंगे, मुझे इनकी जरूरत नहीं है, लेकिन प्लीज आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी शादी में शरीक होइएगा। क्यों नहीं होंगे भाई, लड़की वाले हैं हम कैसे नहीं होंगे? लेकिन हाँ, इतने पैसे से कुछ नहीं होगा, तेरे को दीवान खानदान के साथ दोबारा अपना नाम जोड़ना पड़ेगा किसी भी तरीके से। हाँ, वरना यहाँ शर्मा निवास में है ना, वो हो सकता है जो कभी नहीं हुआ है आज तक। हाँ ऋषि भाई साहब, हम लोगों को भूल मत जाइएगा, अपनों से कोई नाराज होता है क्या? है कभी नहीं भूल सकता आप लोग। उनको क्या लगता है, अगर मेरी शादी में नहीं आएंगे तो मेरी शादी नहीं होगी क्या? कुछ नहीं सुनना, सिर्फ एक बात कहनी थी आपसे। बाहर चलेंगी? बाहर? हाँ, अपने होने वाली बीवी को डेट पर ले जाना चाहता हूं, हमारी पहली डेट, प्रॉमिस करता हूं।
आपकी जिंदगी की सबसे हसीन शाम बना दूंगा आज की शाम को। बोलिए चलेंगी ना? तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू क्या जाने, तू बिन दिल बिन जज्बात अल्लाह जाने, मेरे जी की बात तू क्या जाने, तू बिन दिल बिन जज्बात अल्लाह जाने, आदत ही है वो तो, उनकी फितरत ही है वो तो, खेलते ही खेल के फिर तोड़ देते ही। Yes? आपके हॉस्पिटल में रिकी दीवान का एक पेशेंट, मुझे उसका नाम बताइए। जी हम ऐसे नहीं बता सकते। एक्सक्यूज मी, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं क्या प्रॉब्लम है? इन्हें एक पेशेंट का नाम पता करना है। क्या काम है सर? देखिए, मुझे आपके हॉस्पिटल से एक फोन आया था। मेरा भाई रिकी दीवान, उसका एक पेशेंट आपके हॉस्पिटल में, उसके कुछ पेंडिंग बिल्स है, वही क्लियर करने आया हूं। आप जरा देख के उसका नाम बताइए, उसका रूम नंबर बताइए। एक सुनाओ कथा गान, मैं सुनो लगा के ध्यान। एक बंजारे की अटक गई एक रूपवती में जान। एक बरगद का सा पेड़ गणी सी छाया, कोई जादूगरनी है या है कोई माया। तू गैल चले तो मोती बाल पिराऊं, ना मिले मुझे तो जीते जी मर जाऊं। मस्तक पे छाप के तिलक चला जग भीतर, तेरी पलक भावे ऐसी नाचे जैसे तीतर। और बगले जैसे डोए नैन शर्फी, तेरे मीठे मीठे बोल लगे जैसे बर्फी। ओ चलिया हो, विदित शर्मा ही है, रूम नंबर है उनका 414। शर्मा, ये विदित शर्मा कौन है जिसके इलाज के पीछे मुफलिसी में भी इतना पैसा खर्च कर रही है? डारो न रंग मुंह पे, डारो न रंग, डारो न रंग मुंह पे, डारो न रंग, हरी हेरी मैं तो मारी जात हूँ मुँह पे, डारो न रंग मुँह पे, डारो न रंग, डारो न रंग मुँह पे, डारो न रंग, हरी हेरी मैं तो मारी जात हूँ मुँह पे, डारो न रंग मुँह पे, डारो न रंग, डारो न रंग मुँह पे, डारो न रंग, हरी हेरी मैं तो मारी जात हूँ मुँह पे, डारो न रंग मुँह पे, डारो न रंग, डारो न रंग मुँह पे, डारो न रंग, हरी हेरी मैं तो मारी जात। Oh,
हाथ जोड़ के बोली गवर जा, हाथ जोड़ के बोली गवर जा, तीनों लोक बसाए बस्ती में, तीनों लोक बसाए बस्ती में, आप बसे वीराने में जी, आप बसे वीराने में, हजी राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, राम भजो जी, शिव का वंदन किया करो, हजी शिव का वंदन किया करो जी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी, अकड़ बम 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 लहरी। एक सुनो अंतर्यामी, मेरी एक सुनो भोले स्वामी, मैं तो दासी जन्म जन्म की, मैं तो दासी जन्म जन्म की, बाली उम्र से भक्ति करती, बाली उम्र से भक्ति करती, तुम्हें छोड़ के कहीं न जाऊं, तुम्हें छोड़। लोकल एड्रेस शर्मा निवास, पराठे वाली गली, दिल्ली। ये एड्रेस तो इंदिरा जी का है। तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, तुम्हें जो छोड़ूं तो मर जाऊं, इंदिरा शर्मा से क्या रिश्ता है आपका? मैंने आपसे कहा ना कि मुझसे देखिए, विदित भैया के आने के बाद तो आप फंसेंगे, लेकिन अभी प्लीज मेरे लिए मुझको की वजह तो तूने छीन ली रिकी। नमस्ते, मेरा नाम विद्या बागची है, मैं लंदन से आई हूँ। मेरे पति अर्नब बागची कुछ दिनों पहले यहाँ लापता हो गए, उन्हीं को ढूंढते हुए हर जगह मारी मारी फिरती, उन्हीं की तलाश में तुम्हारे पास पहुंची हूँ। ऐसी हालात में आप खड़ी क्यों है? और ये प्लीज बैग खोलिए, आप प्लीज बैठिए आराम से। किसी ने बताया था तुम्हारे बारे में कि हिटलर दीदी ऐसी है, हिटलर दीदी वैसी है, चांदनी चौक में बहुत पावरफुल है, तो मुझे लगा कि चांदनी चौक जैसी जगह में अर्नब को ढूंढने के लिए मुझे तुम्हारी मदद लेनी चाहिए। इन्हें देखा गई देखिए, इस हालत में आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं होगा। और इन्हें तो मैंने देखा नहीं है, लेकिन ये लीजिए पानी। लेकिन का जवाब ही तो नहीं है मेरे पास इंदिरा। जब आप गमों को खुशी में बदलेंगी ना, तो देखिएगा जिंदगी की कहानी बिल्कुल दिलचस्प लगने लगेगी। और तुम्हारा शादी से पहले इस तरह मायूस होना ठीक नहीं है। जानती हूं, पर करूं भी तो क्या करूं? पता है मेरी शादी में मेरे परिवार वाले मेरे साथ नहीं है, बस अपने होने वाले पति पर भरोसा करके मैं ये कदम उठा रही हूं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि लड़की शादी के बाद मायके से ससुराल जाती है, पर मैं अपने इस घर में, अपने इस मायके में ही रह जाऊंगी। कभी देखी ऐसी अनोखी शादी आपने? जितना सुना है तुम्हारे बारे में, तुम सबसे अलग हो, स्पेशल हो।
तो तुम्हारी शादी को भी तो अलग और स्पेशल होनी थी। और वैसे भी सबसे जरूरी बात यही है कि तुम्हारा होने वाला पति तुमसे प्यार करता है या नहीं, और ये तो तुमसे कितना प्यार करता है। वैसे तुम्हारी और मेरी कहानी लगभग एक ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा लाइफ पार्टनर तुम्हारे साथ है। एक वादा करो मुझसे और खुद से भी कि तुम हमेशा मुस्कुराओगी। मुस्कुराने की वजह ढूंढ रही हो। होने वाला पति इतना प्यार करता है, इससे बड़ी वजह क्या हो सकती है? क्या मैं अंदर आ सकता हूं? सॉरी विद्या जी, हर जगह पूछा लेकिन किसी ने भी नहीं देखा आपके अर्नब बागची को। ये जवाब मेरे लिए नया नहीं है, बस यही दुआ करती हूँ कि मेरे बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले मुझे वो मिल जाए। आप ठीक तो हैं? हाँ, मेरी छोड़ो, अपने होने वाली दुल्हन की फिक्र करो। मैंने इंदिरा से एक वादा लिया है, तुमसे भी लूंगी। वादा करो कि तुम हर सुख दुख में इंदिरा का साथ दोगे। मैं वादा करता हूँ। ऐसे नहीं ऐसे। अब मेरे पीछे पीछे दोहराओ। जी। मैं ऋषि कुमार ये वादा करता हूँ कि जिंदगी भर मैं इंदिरा का ख्याल रखूंगा। वादा करता हूँ कि हमेशा मकान मालकिन जी का ख्याल रखूंगा। स्थिति जो भी हो, हालात जैसे भी हो, मैं इनके साथ रहूंगा उम्र भर। मैं इंदिरा के भरोसे को कभी भी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। मैं इससे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। और कभी कोई क्या हुआ, चुप क्यों हो गए? नहीं कुछ नहीं, वो शादी के बाद इनसे कोई बात नहीं छुपाऊंगा। अगर मैं पंडित होती तो तुम्हारी शादी हो गई होती और फिर मैं सबसे कहती फिरती कि चांदनी चौक की हिटलर दीदी की शादी मैंने करवाई। वैसे तुम्हें हिटलर क्यों कहते हैं? वो बताइए बताइए। सब ठीक, तुम दोनों को साथ देखकर बहुत अच्छा लगा। God bless you both. And thank you. चलती हूँ। ये लीजिए। और हाँ, एक और वादा करो कि शादी होते ही नई नवेली दुल्हन की एक मुस्कुराती हुई फोटो मुझे भेजोगे। मेरा नंबर तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है। जी। क्योंकि मैंने सुना है कि हिटलर दीदी कभी मुस्कुराती नहीं है। आप भी अपना ख्याल रखिएगा। ऐसे नहीं, फिर से बोलो। आप भी अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय। आज का दिन हमारे लिए कितनी खुशियां लाने वाला है। हम दोनों शादी के बंधन में बंधकर हमेशा के लिए एक हो जाएंगे और आपको आपके विदित भैया वापस मिल जाएंगे। फिर आपकी जिंदगी में खुशियां ही खुशियां होंगी, और इसका कारण भी तो विदित भैया ही हैं। आखिर उन्हीं की वजह से तो मैं आपसे मिल पाया, नहीं तो कहां मैं अमेरिका में और आप यहाँ चांदनी चौक में। कभी नहीं सोचा था कि मेरी लव स्टोरी ऐसी हो। जाइए ना, आप लोग लेकर आइए ना मकान मालकिन जी को। जाना मम्मी, मिसेज। मैं क्यों जाऊं? अरे पेमेंट हुई है, जाओ लेके आओ। जाओ मैं भी जाती हूं। मम्मी जी चुप 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 मत रहो, तू भी जा। आओ ये लो। अब दमाजी बैठकर शादी देखें।
एन बद्धो बली राजा दानवेंद्रो महाबला। अब बताइए कन्यादान की विधि कौन करेगा? मैं करूंगा। मेरे विदित भैया करेंगे। विदित 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 भैया तो आया क्यों नहीं तेरा चाहता? आएगा भैया ऐसे कह दिया उसने। मुन्ना भाई साहब आज आपका इंतजार खत्म हो जाएगा। विदित भैया बस पहुंचने ही वाले हैं। पल पल की खबर है उनकी मेरे पास। अरे भाई पल पल की खबर तू क्यों रख रहा है विदित की? ऋषि भाई साहब आप विदित भैया को कैसे जानते हो? क्योंकि इन्हें मेरी फिक्र है जो आप लोगों को नहीं। ले मंडप में बैठकर भी है ना तानाशाही शुरू हो गई इसकी। वो बस पहुंचते ही होंगे। कान मालकिन जी कम से कम आज तो मुस्कुरा दीजिए। देखिए विदित भैया के आने के बाद तो आप हंसेंगे लेकिन अभी प्लीज मेरे लिए मुस्कुरा दीजिए एक बार। मुस्कुराने की वजह तो तूने छीन ली रिकी। आई हरी